दोस्तों लोन लेना ना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप लोन ले क्यों रहे हो। अगर आप उसको गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली यार वो चीज गलत है। लेकिन अब अगर आप उसी लोन से कोई धंधा बनाने की कोशिश कर रहे हो, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, या आपने ऐसे फंसे हुए काम निकालने की कोशिश कर रहे हो जिसकी आपको अर्जेंट नीड है या सख्त आवश्यकता है, तो उस चीज के लिए ना लोन बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे फ्रॉड बैठे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी लोन ऐप बैठी हुई हैं जो आपको लोन तो दे देती हैं, लेकिन उसके बाद आपको इस तरह तंग करती हैं कि भाई यहाँ पे जैसे कि आप उनके ताउम्र गुलाम बन चुके हो। ताउम्र गुलाम मतलब या बंधुआ मजदूर आप समझ लो। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे इंटरनेट में ना आपको संभल के चलना होगा और संभल के उन एप्लीकेशन या ऐसे वेज आपको फाइंड करने होंगे कि भाई यहाँ पे आपको इजी तरीके से लोन भी मिल पाए और डेफिनेटली वहां पे इंटरेस्ट रेट भी कम हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जो खासकर स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो यहाँ पे रियल में लोन लेना चाहते हैं और जिनको लोन की नीड है, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो गया या आप किसी वर्क के लिए लोन लेना चाह रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आप जो है वो अप टू 50,000 तक लोन ले पाओगे और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो अर्निंग भी कर पाओगे इसी ऐप से। तो चलिए आप लोगों को लेके चलता हूं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर, कैसे सारी चीजें काम करती हैं, कैसे आप जो है वो लोन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आ गया अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि भाई अगर आप लोन ले रहे हो ना तो उसको रीपेमेंट करने की भी यहाँ पे यार ताकत रखो, रीपेमेंट करने की भी यहाँ पे हिम्मत रखो, तभी जाके लोन के ऊपर हाथ डालना। वरना बहुत सारे लोग ना क्या करे बैठे हैं इंटरनेट के ऊपर, एम पॉकेट के ऊपर खासकर, उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे मेरा नंबर इंटरनेट के ऊपर कहीं दिख गया या मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरा नंबर दिख गया, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अपने फ्रेंड के बिहाफ में वहाँ पे मेरा नंबर डाल दिया और उन वो लोगों को लोन तो मिल गया लेकिन यहाँ पे वो लोन नहीं चुका रहे हैं। तो इसीलिए एम पॉकेट वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे यार आपके साथ का एक बंदा है वो यहाँ पे लोन नहीं पे आउट कर रहा है या हमें पेमेंट नहीं कर रहा है। अब भाई यहाँ पे मेरा ना लेना ना देना, बस उसने मेरे लिंक से डाउनलोड किया और मेरा नंबर डाल दिया। ऐसे एक यूज़र नहीं, 5 से 6 यूज़र ने मेरे साथ ऐसा किया हुआ है। तो मेक श्योर अगर आप लोन ले रहे हो यार, प्लीज़ उसको रीपेमेंट करने की यहाँ पे हिम्मत रखो, तभी जाके लोन लो। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ ट्रू एप्लीकेशन के ऊपर, ट्रू बैलेंस। मेनली आप यहाँ पे इसको हमारे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसका लिंक देखेंगे मिल जाएगा। और ये कोई भी फ्रेंड्स मेरी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ट्रू बैलेंस है, बस इसके आपको रियल तरीके आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे लोन ले सकते हो और आपको कितना फायदा हो सकता है इसे लोन लेने के बाद। आपको डेफिनेटली हमारे स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रहा होगा अप टू 50,000 लोन, और ओनली अगर आप KYC कंप्लीट करते हो तो 15,000 तक का लोन ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके लोन लेवल के ऊपर। मैं यहाँ पे 15,000 वाले लोन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरी क्रेडिट लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन गेट इनिशियल क्रेडिट लिमिट अप टू 5,000। मैं यहाँ पे करता हूँ अपनी और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो 2.4% रेट के हिसाब से मुझे 5,000 तक का लोन मिल जाएगा और 62 डेज के अंदर मेरे को जो है वो एज EMI के फॉर्म में इसको चुकाना है। अब मैं यहाँ पे इसको 1,000 भी कर सकता हूँ, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 जितना भी मेरे को करना है, और जो मंथली इंटरेस्ट रेट लगने वाला है मेरे को लगने वाला है 2.4%। अब सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली KYC आप कंप्लीट करते हो तो आपको ये तो देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कैश लोन चाहिए अप टू 50,000 तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सेम इंटरेस्ट रेट है 2.4% तक का, साथ ही साथ आप जो है 50,000 तक का लोन आप ले सकते हो, और 6 मंथ की बात करूँ तो आप 6 मंथ पे भी आप EMI के तौर पे इसको दे सकते हो, वरना 3 महीने में भी आपके काम जो है वो कंप्लीट हो सकता है। आपको जो इंटरेस्ट पड़ेगा 2.4% का पड़ेगा। अब ये आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप इस लोन को इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लोन दे रहे हैं, आपसे कोई भी पेपर वर्क नहीं लिया जा रहा है। आपका टेनर यहाँ पे दिखा है, मैं आप यहाँ पे एक बार अमाउंट डालता हूँ, मेरे को चाहिए 5,000 का लोन, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने एंटर के ऊपर क्लिक किया थ्री मंथ के लिए, सिंपली एंटर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे को ना यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अप्रूव कराने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए वर्क पीरियड, यहाँ पे देखिए अपना जो है वो लोन पर्पस डालना पड़ेगा, एजुकेशन के लिए किस लिए चाहिए आपको, ये मतलब आपके ऊपर है कि भाई आपको किस लिए चाहिए। यहाँ पे आप जो है पर्सनल लोन भी ले सकते हो, साथ में आप पर्सनल इमरजेंसी ग्रॉसरी रेंटल व्हीकल डाउन पेमेंट इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको लोन चाहिए, सिंगल हो यहाँ पे ये, और आपका वर्क पीरियड यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा वर्क पीरियड है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मैंने फलाना फलाना मंथली इनकम यहाँ पे डाल दिया है, ESI कन्फर्म के ऊपर
पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को तो लोन चाहिए नहीं वैसे। यहाँ पे देखिए लोन अभी अंडर एलिवेशन में है या अंडर प्रोसेस में है। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो है वो डेटा रिसीव होता है, अभी देखिए यहाँ पे आ गया इन प्रोग्रेस, कैश जो है वो अभी इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास आ गया है ऑलमोस्ट डन का ऑप्शन। अब ऑलमोस्ट डन में क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करो, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा विद इन 5 मिनट के अंदर। अब आपको बैंक की जो स्टेटमेंट है उसको अपलोड करनी है, उसके बाद जो आपका 5,000 का लोन है वो अप्रूव हो जाएगा जो मैंने लिया हुआ है और मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। मेरे को कोई भी यहाँ पे लोन नहीं लेना है, मैं नो स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव यहाँ पे स्क्रीनर ऑप्शन मेरे से पूछा जा रहा है, चेंज दी लोन या फलाना फलाना अदर ऑप्शन आपको चाहिए जो, वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ लीव के ऊपर और दोबारा चले जाता हूँ होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दोनों ही तरीके पता चल गए किस किस तरीकों से यहाँ पे आप लोन ले सकते हो वाया KYC, 15,000 तक का लोन ले पाओगे और यहाँ पे कैश लोन भी ले पाओगे डायरेक्टली अपनी यहाँ पे प्रॉब्लम्स को बता के कि भाई यहाँ पे आपको किस लिए लोन चाहिए या आप इस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हो। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बोला था कि भाई इस ऐप से आप अर्न भी करने वाले हो, वो कैसे? सिंपली आप मोर वाले सेक्शन के ऊपर जाते हो, यहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे आप इस रेफर एंड अर्न वाले प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग सा ऑफर निकल के आता है जहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 5% ऑन एवरी लोन। यहाँ पे क्या है, जब भी आप इसको किसी के लिंक से डाउनलोड करते हो या अपने लिंक के थ्रू किसी को भी यहाँ पे डाउनलोड करवाते हो तो उसमें से 5% का कमीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। मान लो यहाँ पे आपने जो है इसके ऊपर 1,000 रुपये का लोन लिया तो उसमें से 5% आपको मतलब उसको मिलेगा जिसने आपको ये डाउनलोड करवाया। मान लो आपने अपने फ्रेंड को इसको डाउनलोड करवाया तो उसने 1,000 रुपये का लोन लिया, उसके बाद जो है वो डायरेक्टली 2% तो आपको इनिशियल स्टेज में देखने को मिलेगा, बाद में जो डाउन पेमेंट वो करेगा कंप्लीट करेगा उसके बाद 3% का जो है वो लोन आप जो है अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जिसको आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के ऊपर विड्रॉल कर सकते हो। मेरे पास मेरे केस में यहाँ पे 220 रुपये हैं जहाँ पे मैंने 278 रुपीज़ पहले से ही विड्रॉल करके रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे इस अमाउंट को जो है वो सेंड कर सकता हूँ अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट के ऊपर, वरना मैं इनको सेंड कर सकता हूँ अपने वॉलेट के ऊपर। अब ये वॉलेट कौन सा है, ये कोई भी पेटीएम वॉलेट नहीं है, ये वॉलेट वो वाला वॉलेट है जहां से जो है वो आपके रिचार्जेस वगैरह होंगे या आपके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे जाएगा, ये आपको इस वाले वॉलेट में देखने के लिए मिलेगा जो आपका यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आपको कुछ जो है एक्साइटिंग ऑफर भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जो है वो ट्रू बैलेंस आप लोगों के लिए कोई भी ऑफर लेके आएगा तो यहाँ पे देखिए आप जो है वो अपने ऑफर वगैरह कूपन्स वगैरह एक्टिवेट कर सकते हो जहाँ पे जो है वो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा लोन लेने के बाद रीपेमेंट करने में। मान लो ऑफर निकाल दिया कि भाई आपको लोन रीपेमेंट करना है तो आपको यहाँ पे 5% छूट मिल रही है, 3% छूट मिल रही है, 2% छूट मिल रही है। अब ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को लेके। और ये जो लोन आपको प्रोवाइड कर रही है ना, ये RBI लाइसेंस है NBFCS की तरफ से, और यहाँ पे जो है वो आपको डायरेक्टली सब चीज बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से जो है वो आपको लोन रिपेमेंट करना है, आपको कब पेमेंट करना है। कैशबैक वाला सेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जब भी यहाँ पे आप जो है वो KYC कंप्लीट करते हो उसके बाद यहाँ पे जो है वो लोन आप इनको रिपेमेंट करते हो तो अप टू 2% तक का आपको कैशबैक भी मिलता है जितनी बार भी आप लोन लेते हो। और फ्रेंड्स इस ऐप के अंदर एक और खास बात है जहाँ पे आपको एक कैशबैक वाला सेक्शन देखने में मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप एक KYC यूजर हो ना, जब भी आप यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर ऑटो लोन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे कि भाई आपका जो अमाउंट है या जो आपका लोन है वो ऑटोमेटिक पे हो जाए तो यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक भी देखने के लिए मिलेगा। प्रीपेड के ऊपर DTH चार्जेस के ऊपर आपको जो है वो 2% का कैशबैक भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मेक श्योर जब भी आप जो है उसके ऊपर लोन ले रहे हो या प्रीपेमेंट कर रहे हो या कुछ भी आप जो है रिचार्जेस वगैरह कर रहे हो तो उसके ऊपर भी जो है वो आपको 2% का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप जो है उसमें रेफरल इनकम करना चाहते हो, ये भी एक बेस्ट वे है इसके ऊपर अर्निंग करने का। साथ ही साथ लोन आप जो है उससे ले सकते हो, और आप तभी लोन लीजिए जब आपको नीड हो। मेनली वो स्टूडेंट्स जो यार यहाँ पे मौज मस्ती के लिए उड़ाते हैं ना अपने कॉलेज लाइफ में या अपने स्कूल लाइफ में, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो लोग यहाँ से लोन ना ले। हाँ, जिसको एक्चुअल में नीड है, अपनी कॉलेज की फीस जमा करनी है या फलाना ढिमकाना टास्क है बहुत सारे, उसके लिए लोन चाहिए तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। बट अगर आप लोन ले रहे हो तो उसको यार चुकाने की हिम्मत रखो तभी जाके आप लोन लो, वरना क्या होता है
ऐसी कंपनियां चलती हैं घाटे में और इस चक्कर से बहुत सारे लोग फंसते हैं और बहुत सारे लोगों को यहां पे लोन नहीं मिलता है जिसको एक्चुअल में नीड होती है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो में आपको कोई भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना सारे दोस्तों के साथ। और भी अगर आपके सामने ऐसी कोई लोन ऐप निकल के आती हैं जिससे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भला हो सके तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन करो, जहाँ पे हम लोग आपकी क्वेश्चंस का यहाँ पे जवाब देते हैं और आपके ही यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।